पेरेंट्स एंड माय डियर किड्स, अस्सलाम वालेकुम। प्लीज ओपन पेज नंबर 50। इट्स पेज नंबर 50, यूनिट 8, द मून, THEDI एम डबल एन मून, मून मीन चांद, WEV हम, CN कैन, SEE कैन सी देख सकते हैं, THEDI एम डबल एन मून चांद को, INN में, THEDI SKY स्काई आसमान में, ATAT NIGHT नाइट रात को, वी कैन सी द मून इन द स्काई एट नाइट हम रात के वक्त आसमान पर चांद को देख सकते हैं, THEDI एम डबल एन मून चांद, IS है, CLOSER क्लोजर ज्यादा करीब, TO2 THEDI ERTS अर्थ जमीन से, THEN देन THEDI देन निस्बतन, THEDI SUN सन सूरज के, द मून इज क्लोजर टू द अर्थ देन द सन सूरज के मुकाबले में या सूरज की निस्बत चांद जमीन से ज्यादा करीब है, THEDI एम डबल एन मून चांद, DOS डस NOT नोट डस नोट HEVE हैव डस नोट हैव नहीं रखता, LIGHT लाइट रोशनी, OFO RTS इट्स इसकी, OWN ऑन अपनी, OF जो है इसकी साउंड, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया, फिर से बता दूं कि इसकी साउंड OV ओव की आती है, फ की साउंड नहीं आती, इसको ओवी की साउंड के जैसे पढ़ेंगे, ओव। मून डजंट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन, चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, WHEN वैन जब, THEDI SUN सन सूरज, SHINES शाइन्स चमकता है, ON ओन ऊपर, THEDI एम डबल एन मून चांद पर जब सूरज चांद पर चमकता है, WEB हम, CN कैन, SEE कैन सी देख सकते हैं, IT इट इसको, When the sun shines on the moon, we can see it. जब सूरज चांद के ऊपर चमकता है तो हम इसे देख सकते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि चांद को हम रात के टाइम आसमान पर देख सकते हैं, दिन के टाइम क्योंकि सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा होती है इसलिए हमें चांद सुबह के टाइम सूरज की मौजूदगी में नज़र नहीं आता, क्योंकि सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा होती है और चांद की अपनी क्योंकि कोई रोशनी नहीं होती इसलिए सूरज की मौजूदगी में हमें चांद नज़र नहीं आता, चांद हमें रात के टाइम आसमान में नज़र आता है, और जो चांद है वो सूरज के से ज़्यादा ज़मीन के करीब है, यानी जो चांद है वो हमारी ज़मीन से ज़्यादा करीब है और जो सूरज है वो ज़मीन से दूर है। इसमें भी अल्लाह ताला की जो है वो कुदरत है, सूरज क्योंकि बहुत गर्म है, इसकी रोशनी इसकी हीट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये मिलियंस ऑफ किलोमीटर हमसे दूर है, अगर ये करीब होता तो हमारी स्किन जल जाती, हम जिंदा नहीं रह पाते, इस अर्थ पे इस प्लैनेट पे जो है वो ज़िंदगी मुमकिन नहीं थी, इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरज को ज़मीन से दूर रखा है, ज़्यादा फासले पे रखा है, और चांद की जो है रोशनी वो हालांकि इसकी अपनी कोई रोशनी नहीं है, जब सूरज इस पे चमकता है तो चांद हमें उजला उजला और चमकता हुआ नज़र आता है, तो चांद की जो चमक है वो बहुत ठंडक देती है, ठंडी महसूस होती है, चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, जब सूरज इस पे चमकता है इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करता है उसकी रोशनी, तो फिर हमें चांद भी जो है वो चमकता हुआ महसूस होता है, चांद पे हवा नहीं है, THEDI एम डबल एन मून चांद, HAS हैज एंड नो हैज नो नहीं रखता, AIR एयर हवा, द मून हैज नो एयर चांद पे हवा भी नहीं है, NO1 कोई नहीं, LIVS लिव्स रहता, ON ऊपर, THEDI एम डबल एन मून चांद पर, NO1 लिव्स ऑन द मून चांद पर कोई नहीं रहता, कोई चरिंद परिंद इंसान कोई जो कोई भी जिंदा जानदार चीज़ है वो चांद पे नहीं रहती क्योंकि वहाँ पे हवा ही नहीं है, और जिंदा अशिया को लिविंग बींग्स को जिंदा रहने के लिए हवा की ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, THERE देयर AR वहाँ, ARER हैं, BIG बिग बड़े, HRS होल्स गड़े, ON ऊपर, THEDI SURFACE सरफेस सतह पर, OF के THEDI एम डबल एन मून चांद की, देयर आर बिग होल्स ऑन द सर्फेस ऑफ द मून चांद की सतह पर बहुत बड़े बड़े गड़े हैं, THESEDIES ये HOLES होल्स गड़े ARER हैं, CAWDD कार्ड कहलाते, CRATERS क्रेटर्स ये बड़े बड़े गड़े क्रेटर्स कहलाते हैं, हमें दूर से भी चांद जब हम देखते हैं तो चांद के ऊपर हमें दाग नज़र आते हैं, हमें ऐसा लगता है कि पैचेस बने हुए हैं उसके ऊपर दाग बने हुए हैं, तो वो दरअसल वो जो दाग हमें चांद पे नज़र आते हैं वो क्या हैं, वो चांद की सतह पर
यूँ समझें कि उसकी जो सरफेस है, जो उसकी चांद की ज़मीन है, उसके ऊपर बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। इसके ऊपर बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, तो दूर से जब हम ज़मीन से देखते हैं चांद को, तो हमें गड्ढे ऐसे लगते हैं जैसे चांद के ऊपर दाग पड़े हुए हैं। इन गड़ों को क्या कहते हैं? क्रेटर्स। क्रेटर्स, तो वो जो दाग हमें चांद पे नज़र आते हैं, वो असल में क्या हैं? चांद के ऊपर, चांद की ज़मीन पर, चांद की सतह पर बड़े बड़े गड़े हैं, और हमें ये चांद पर जो है ऐसा लगता है कि दब्बे पड़े हुए हैं। इन दब्बों को क्या कहते हैं? क्रेटर्स कहते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर में मैं बताया हुआ है क्रेटर्स ऑन द मून, यानी चांद पे क्रेटर्स मौजूद हैं। WEV हम SWC देखते हैं, THED M W N मून चांद को, WHEN वैन जब, THED SVN सन सूरज, SHINES शाइन्स चमकता है, ON ऑन ऊपर, IT इट इसके, वी सी द मून वैन द सन शाइन्स ऑन इट। हम चांद को तब देखते हैं जब सूरज इसके ऊपर चमकता है। सूरज की रोशनी चांद पे पड़ती है, रिफ्लेक्ट करती है, तो हमें ऐसा लगता है कि चांद चमक रहा है, बहुत रोशन है ये। टी एच ई डी एम डब्ल एन मून चांद, जी ओ एस गोज जाता है, ए आर यू एन डी अराउंड इट दी, टी एच ई डी ई ए आर टी एच अर्थ जमीन, द मून गोज अराउंड द अर्थ, चांद जमीन के इर्द गिर्द घूमता है, ये मुसलसल दायरे में घूमता रहता है, चांद जो है जमीन के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता है। इसीलिए कभी हमें चांद की जो है शुरू की तारीखों में, शुरू की डेट्स में चांद हमें बिल्कुल बारीक सा नज़र आता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हमें बड़ा, जैसे जैसे दिन गुजरते हैं चांद की हमें पूरी शक्ल जो है वो नज़र आती है। आई टी ईट ये टी ए के एस टेक्स लेता है, ए बी ओ यू टी अबाउट तकरीबन 28 डी ओ एस डेज दिन, इट टेक्स अबाउट 28 डेज, ये तकरीबन 28 दिन लेता है, टी ओ टू जी ओ गो ए आर ओ यू एन डी अराउंड टू गो अराउंड इर्द गिर्द जाने में या चक्कर लगाने में, टी एच ई डी ई ए आर टी एस अर्थ जमीन के, ओ एन सी वंस एक दफ़ा, इट टेक्स अबाउट 28 डेज टू गो अराउंड द अर्थ वंस, ये जमीन के इर्द गिर्द चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में 28 दिन लेता है। यानी जमीन के गिर्द जब चांद घूम रहा होता है, तो अपना पूरा चलते चलते चक्कर लगाते 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 पूरा जब वो चक्कर करता है, तो उसको एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 28 डेज लगते हैं। 28 डेज में चांद जमीन के गिर्द अपना एक चक्कर पूरा करता है। WEB हम CN कैन सकते हैं, SWC देख, कैन सी देख सकते हैं, DIFFERENT डिफरेंट मुख्तलिफ, PRTS पार्ट्स हिस्सों को, OFO THED MWN मून चांद के, 88 पर DIFFERENT डिफरेंट मुख्तलिफ, एट TIMES टाइम्स औकात पर, OFO THED MONTH मंथ महीने के, वी कैन सी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मून एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द मंथ, महीने के मुख्तलिफ औकात में हम चांद की मुख्तलिफ शक्लों को, मुख्तलिफ किस्म के हिस्सों को देख सकते हैं। मसलन स्टार्टिंग में जब चांद की शुरू की डेट्स होती हैं, मंथ का स्टार्ट होता है, तो चांद बिल्कुल बारीक सा होता है, इसको हम बोलते हैं न्यू मून, नया चांद। फिर जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं, चांद बड़ा होता जाता है, ग्रो करता है, और फिर वो हमें हाफ मून की शक्ल नज़र आती है, इसे हम बोलते हैं हाफ मून। और जब 15 डेज कंप्लीट होते हैं, 15 डेज होते हैं, तो इसका हम कहते हैं चौदहवीं का चांद, और इंग्लिश में बोलते हैं फुल मून। तो इसकी बेसिकली 3 शेप्स होती हैं चांद की, न्यू मून, हाफ मून, फुल मून। पेज नंबर 52 पे हम इसकी एक्टिविटी सॉल्व करेंगे, टिक अंडर यस और नो। यहाँ पे हमें जो हमने लेसन पढ़ा, यूनिट पढ़ा मून के बारे में, उसके बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ बातें बताई गई हैं। अगर ये बात सही है तो हम यस के नीचे टिक करेंगे, और अगर ये रॉन्ग है तो हम नो के नीचे टिक करेंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं। वी कैन सी द मून एट नाइट, हम रात को चांद को देख सकते हैं। यस, द मून इज फर्दर फ्रॉम द अर्थ देन द सन, सूरज के मुकाबले में चांद जमीन से ज्यादा दूर है। नो, द मून गिव्स ऑफ हीट एंड लाइट, चांद जो है रोशनी और हरारत देता है। नो, सूरज देता है। द मून शाइन्स ऑन द सन, चांद सूरज पर चमकता है। नो, द मून हैज नो एयर, हवा, चांद पर कोई हवा नहीं है। यस, ये हुई सही बात। होल्स ऑन द सर्फस ऑफ द मून आर कॉल्ड क्रेटर, चांद पर मौजूद जो गड्ढे हैं उनको क्रेटर्स कहते हैं। यस, बिल्कुल सही कहा।
तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है ड्रा द डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून। बहुत सिंपल है, जैसे कि पेज नंबर 51 पे आपने बेटा देखा, ये है न्यू मून, हाफ मून, फुल मून। तो यहाँ से देख के आप बहुत इजीली अपनी मम्मा की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आप हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा न्यू मून। मज़ीद अगर आप बेहतर करना चाहें तो इसी के अंदर आप थोड़े स्मॉल साइज़ का एक और हाफ सर्कल बनाएंगे, ये न्यू मून बन जाएगा। इसी तरह से जैसे डी लिखते हैं आप स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन, और फिर ऐसे कर्व बनाएंगे तो ये आपका हाफ मून हो जाएगा। और फिर ऐसे ही आप चाहें तो किसी बॉटल का कैप ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऐसे भी इसको एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये फुल मून बन जाएगा। ओके, बहुत ईजी था ये। तो नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक, खाली जगह पूर करें। द मून हैज़ नो एयर, क्योंकि हमने पढ़ा था कि मून पे तो एयर है ही नहीं। देयर आर नो वट, देयर आर नो लिविंग थिंग्स ऑन द मून, चांद पर जिंदा जानदार नहीं है या जिंदा अशिया नहीं है, लिविंग। द डैश शाइन्स ऑन द मून, सन, एस यू एन, सन। द मून इज क्लोज टू द अर्थ, ई ए आर टी एच, अर्थ। वी कैन सी द मून एट नाइट, रात के वक्त हम चांद को देख सकते हैं। तो ये तो बहुत ईजी था, आपने जल्दी से इसको सॉल्व कर लिया। तो अब मदर्स, आप बच्चों के कंसेप्ट को जो है मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्लियर करने के लिए, आप इसी लेसन में से, इसी यूनिट में से चांद से मुतल्लिक छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं वो वर्बली भी बच्चों से पूछ सकते हैं, ताकि आपका जो समझाया हुआ है वो बच्चे ज़्यादा अरसे तक याद रख सकें और उन्हें जल्दी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं भूलें। तो आप उनसे वर्बली ज़ुबानी भी सवाल पूछें ताकि बच्चे उनका आंसर करें। आप उनसे इंग्लिश में सवाल पूछें, वाटर क्रिएटर्स, द बिग होल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और चाहे तो यहाँ से देख के बुक में से आपको बताएंगे क्योंकि उन्होंने पढ़ा है, अदरवाइज आप उनसे उर्दू में पूछें, अच्छा बेटा क्रिएटर्स क्या होते हैं, तो वो आपको उर्दू में जवाब देंगे। क्योंकि ज़ाहिर है इंग्लिश हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है, तो हम अपने बच्चों से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम फर उनसे इंग्लिश में सवाल पूछें और वो हमें फ़ौरन टक 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 इंग्लिश में जवाब देते जाएं, ऐसा उनसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम उनसे पहले इंग्लिश में सवाल पूछेंगे, फिर साथ ही उसको उर्दू में पूछेंगे ताकि बच्चों को इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वो भी सुनाई दें, फिर जब उनको उर्दू में एक्सप्लेन करें तो उन्हें समझ आए कि हम क्या पूछ रहे हैं। तो स्टार्टिंग में इस तरह से आप बाइलिंगुअल इंग्लिश में भी और उर्दू में भी सेम सवाल पूछेंगे, बच्चे जवाब देंगे, और विद द प्रैक्टिस ऑफ, विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद प्रैक्टिस बच्चे जो हैं वो इस काबिल होंगे कि वो आपको बुक में से देख के बताएंगे कि देयर आर बिग होल्स ऑन द सर्फेस ऑफ द मून, दीज होल्स आर कॉल्ड क्रेटर्स। और अगर ये भी डिफ़िकल्ट लगे तो आप इससे भी छोटे क्वेश्चन जो हैं बना सकते हैं, लाइक ओके बेटा टेल मी डज द मून हैव एयर, क्या चांद पर रोशनी है, तो बच्चा कहेगा द मून हैज़ नो एयर, चांद पे कोई रोशनी, चांद पे सॉरी कोई हवा नहीं है। इसी तरह से व्हाट शाइन्स ऑन द मून, चांद पे क्या चीज़ चमकती है, तो बच्चा रिप्लाई करेगा सन शाइन्स ऑन द मून, चांद पर सूरज की रोशनी पड़ती है या सूरज चांद पे चमकता है। ठीक है, इसी तरह से आप पूछ सकते हैं कि व्हाट इज क्लोजर टू द अर्थ, चांद जमीन से क्या चीज़ ज़्यादा करीब है, तो बच्चा उसका आंसर करेगा चांद, मून ज़्यादा करीब है। और फिर इस तरह से बोलेगा द मून इज क्लोजर टू द अर्थ। शुरू में आप वर्बली, जब आपने रीडिंग करवा दी, एक्सप्लेन किया, तो वर्बली ज़ुबानी बच्चों से सवाल पूछें इस बारे में, टॉपिक के बारे में आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पूछ सकती हैं, मुझसे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से। तो आप उनसे छोटे छोटे सवाल पूछें ताकि उनका कॉन्सेप्ट जो है वो उनके माइंड में अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद आप रिटर्न प्रैक्टिस के तौर पे भी बच्चों को छोटे छोटे से क्वेश्चन आंसर जो हैं वो लिखवा सकती हैं, ताकि बच्चे अपने स्कूल के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो, और जब टीचर उसे क्लास में क्वेश्चनिंग करे या क्वेश्चंस लिखवाए तो आपका बच्चा शायद ना फील करे, पीछे हेजिटेट होकर ना बैठे, बल्कि कॉन्फिडेंटली वो उस चीज़ को आंसर कर सके। तो चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन आंसर लिखे हैं, जैसे व्हाट इज़ क्लोजर टू द अर्थ, तो इसका आंसर होगा द मून इज़ क्लोजर टू द अर्थ। आप इस तरह से जो है रिटर्न क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करवा सकती हैं। सेकंड है
When do we see the moon? हम चांद को कब देख सकते हैं? आप इस तरह से भी लिखते हैं, लिख सकते हैं When are we able to see the moon? हम किस टाइम पे चांद को देखने के काबिल होते हैं? तो इसका आंसर होगा When the sun shines on the moon, we can see it. जब सूरज चांद पे चमकता है तो फिर हम उसे देख सकते हैं. Then who lives on the moon? चांद पे कौन रहता है? तो इसका आंसर होगा No one lives on the moon. No one lives on the moon. चांद पे कोई भी नहीं रहता. इसी तरह से आप क्वेश्चन कर सकते, लिखवा सकते हैं बच्चों को. What does go around the earth? जमीन के गिर्द कौन चक्कर लगाता है? तो इसका आंसर होगा The moon goes around the earth. और ये भी हो सकता है How many days it take? या How many days the moon take to go once around the earth? तो इसका आंसर होगा 28 days. या It takes about 28 days to go around the earth. क्वेश्चन में से ही पूरा आंसर बनता है. सुनने में जो है वो बड़ा लगता है कि काफ़ी लेंथी आंसर है, लेकिन हम क्वेश्चन इस तरीके से बनाएंगे कि उसका क्वेश्चन में से ही आंसर आ जाएगा और जस्ट हमें उसके आगे 28 डेज एडजस्ट करना पड़ेगा. इस तरह से आप ये भी कह सकते हैं हाउ मैनी शेप्स ऑफ द मून, और हाउ मैनी शेप्स ऑफ द मून आर देयर, चांद की कितनी हालतें होती हैं या इसकी कितनी शक्लें हैं. तो बच्चा लिखेगा थ्री शेप्स ऑफ द मून. या आप ये भी कह सकते हैं नेम थ्री शेप्स ऑफ द मून, चांद की तीन शक्लों के नाम बताएं. तो वो लिखेगा न्यू मून, हाफ मून, फुल मून. तो टोटली डिपेंड्स अपॉन यू मदर्स. आप कहीं गुना ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने बच्चों से क्वेश्चनिंग कर सकती हैं ताकि उनका कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके और जो पॉइंट्स हैं उन्हें अच्छे से क्लियर हो सकें. अगर आपको इस वीडियो से अपने बच्चों को पढ़ाने में समझाने में ज़रा सी भी हेल्प हुई और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए अच्छी है तो कांडी हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा. दुआ में याद रखिएगा अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो. अल्लाह हाफिज़.